तेरी मोहब्बत ने हमें बेनाम कर दिया, हमें हर खुशी से अनजान कर दिया। हमने तो कभी नहीं चाहा था हमें मोहब्बत हो, लेकिन उसकी पहली नज़र ने ही हमें नीलाम कर दिया। आपने अब तक प्यार मोहब्बत की कई कहानियाँ सुनी होंगी और देखी भी होंगी। हीर रांझा, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, श्री फरहाद, यूसुफ जुलेखा, जैसे न जाने कितनी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। लेकिन इन सब में एक बात समान थी, और वो थी एक दूसरे के प्रति बेपनाह मोहब्बत। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इन सभी प्रेम कहानियों से अलग है और जो इन सबको झूठा साबित कर देता है। आज के इस महंगाई के दौर में, जहां लोग एक शादी को ही निभाने में हाथ पांव फूल जाते हैं, ऐसे में एक युवक ने एक साथ दो लड़कियों से शादी की है। शादी के बाद वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहा है। लड़की को उसने जैसे ही मंगलसूत्र पहनाया तो लोगों ने तालियां बजाई, और बदले में उसने भी तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कर्नलगंज के ढरहरिया इलाके का है, जहां एक युवक मंदिर में अपनी शादी के लिए पहुंचा था। शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी, तभी अचानक से मंदिर परिसर में एक और लड़की आ पहुँची और उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद मंदिर परिसर का पूरा माहौल गर्म हो गया। उसके बाद वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों की भीड़ देख लड़की ने भी युवक से शादी करने का दबाव बनाया। फिर क्या था, लड़के ने एक साथ दोनों के साथ शादी की रस्में पूरी कर दी। उसने पहले दोनों लड़कियों को सिंदूर लगाया, उसके बाद उनके गले में मंगलसूत्र पहनाया। वहाँ उपस्थित लोगों ने इस शादी को अपनी आँखों से देखा और मोबाइल में कैद भी कर लिया। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि अब आप तीनों एक साथ फ़ोटो खिंचवा लें। युवक ने दोनों लड़कियों के साथ खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचवाई। इसके बाद लोगों ने जब तालियां बजाई, युवक ने भी खुशी में तालियां बजाई। आगे का पूरा दृश्य आप इस वीडियो में देख सकते हैं। गाड़ी कर सब लोग व्हाट्सएप में देना पूरा मोहल्ला देख करो, सबके पास सबूत रही। सही तरह से बंगला ढूंढ रहे हम लोग।